नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। ये मैटर की ऐसी स्टेट है जो फ्रीली एक्सपेंड करती है अपने कंटेनर को फिल करने के लिए, और इस स्टेट की कोई वॉल्यूम नहीं होता फिक्स और ना ही कोई फिक्स शेप होती है। इसकी प्रॉपर्टीज यही है कि ये एक्सपेंड करती है ट्विस्ट फुलेस्ट अपने कंटेनर को फिल करने के लिए। ये फ्रीली एक्सपैंड करेगी और ये लिक्विड और सॉलिड की तुलना में बहुत ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, बहुत ज्यादा स्पेस घेरती है। प्लस ये यूनिफॉर्म डेंसिटी मेंटेन रखने की टेंडेंसी रखती है हर एक कंटेनर के अंदर। कुछ जो लॉज हैं गैसेस के एसोसिएटेड, वो बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, उसको चेंज नहीं किया जाए, तो किसी भी गैस का जो प्रेशर है ना, वो जब बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। गैस यानी गैस कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगी जब उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर गैसेस को ना कंप्रेस कर देता है। गैसेस की क्वालिटी होती है कि हाई प्रेशर के अंदर ये कंप्रेस हो जाती है। तो कंप्रेस नेचुरल गैस आप देखते हो जो सिलेंडर में होती है ना, वो कंप्रेस्ड गैस होती है। और जो इसका वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया फिर प्रेशर के। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये इक्वेशन बनती है, प्रेशर इक्वल टू के वन अपॉन वी। ये प्रोपोर्शनैलिटी है, वॉल्यूम घट जाएगा प्रेशर जितना बढ़ेगा। तो जो के है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, पी वॉल्यूम के लिए बताया गया और पी प्रेशर के लिए। तो बॉयज ना क्या कहता है, टेम्परेचर को अगर ना चेंज किया जाए तो अगर प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, चार्ज ना, चार्ज ना कहता है कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, अगर प्रेशर को चेंज ना करें और मास को भी चेंज ना करें उसके, तो जो वॉल्यूम है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही वॉल्यूम भी बढ़ेगा अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाए। प्रेशर को ना बढ़ाया जाए ना घटाया जाए, टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा। और के लुसाक ला कहता है कि अगर वॉल्यूम और मास को फिक्स कर दिया जाए यानी इनको चेंज ना किया जाए, जो प्रेशर है उस गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। फिक्स वॉल्यूम पे और फिक्स मास पे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसका मतलब है कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना प्रेशर भी बढ़ेगा। फिक्स वॉल्यूम और फिक्स मास बोल दिया इसने, तो हम एग्जांपल ले सकते हैं प्रेशर कुकर का। हमने फिक्स वॉल्यूम रखा है और मास भी फिक्स है, ढक्कन बंद कर दी। टेम्परेचर जब हमने बढ़ाया प्रेशर कुकर में, हमने मान लो हमने वाटर रख दिया, कुछ भी रख दिया, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, जो भी पार्टिकल्स है अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जो प्रेशर होता है गैस का वो बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ने से। के लुसाक कहता है कि फिक्स वॉल्यूम पे किसी भी गैस के अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। और अवोगाड्रो जी जो है 1811 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और गे लुसाक ला को कंबाइन कर दिया। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं कि जो मिक्सचर होती है ना गैसेस की, तो जो उनका टोटल प्रेशर होता है, वो हर एक गैस के इंडिविजुअली जो प्रेशर होता है ना उसको ऐड करके बनता है टोटल प्रेशर। तो उनने उनकी वो थ्योरी और गे लुसाक का लॉ कंबाइन कर दिया और एक अलग से लॉ दे दिया, उसका नाम है अवोगाड्रो लॉ। और इस लॉ में ये कहते हैं कि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे और प्रेशर पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके जितनी भी जो गैसेस हैं उनका जो वॉल्यूम है वो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस। उसके जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका अपना वॉल्यूम। फिर से बता देती हूँ, अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो लॉ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे और कॉन्स्टेंट प्रेशर पे जितने
जितनी भी जो गैसेस हैं इकट्ठी, उन सब का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के, कि उनके बीच में कितने मॉलिक्यूल्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम। आइडियल गैस लॉ बहुत ही फेमस लॉ है ये गैस का, इमाइल क्लैपिरॉन ने दिया था 1834 में। उन्होंने तो एम्पेरिकल बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ और गे लुसागला सब को कंबाइन कर दिया और एक इक्वेशन बनाई जिसको बहुत ही फेमस है ये PV=nRT, जहाँ पे P प्रेशर के लिए बोला गया है, V वॉल्यूम के लिए, N नंबर ऑफ मोल्स के लिए गैस के, और R जो आइडियल गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर के लिए बोला जाता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो होता है जो केल्विन के स्केल पे जीरो से शुरू होता है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये जो इक्वेशन है काफी फेमस इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन। अभी हम थोड़े से एमसीक्यू देखते हैं, इनमें से कौन सा आइडियल गैस इक्वेशन है जो PVRT, PVBRT, PVRT ये वाला, दिस वन इज करेक्ट। डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इनमें से कौन सा है, टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। हाँ, यही पहला वाला ही इसका सही आंसर है, क्योंकि टोटल प्रेशर होता है सम ऑफ प्रेशर ऑफ ऑल इंडिविजुअल गैसेस। टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबेज आइडियल गैस लॉ एट फेयरली वाइड रेंज ऑफ प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, इन्वर्शन, बॉयल्स टेम्परेचर, रिड्यूस टेम्परेचर, और इसका आंसर है बॉयल्स टेम्परेचर। व्हाट इज द पार्शियल वॉल्यूम ऑफ गैस इन अ मिक्सचर, किसी भी गैस के अंदर, किसी भी मिक्सचर के अंदर पार्शियल वॉल्यूम क्या होता है किसी गैस का। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिंगल गैस अलोन ऑफ अ मिक्सचर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, यही होता है टोटल वॉल्यूम। उस एक इंडिविजुअल गैस का जो वॉल्यूम है उसको बोला जाता है पार्शियल वॉल्यूम। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, कोई क्वेश्चन अगर हो, कोई क्वेरीज हो, कोई सुझाव हो आपका, आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं अपनी बात को। धन्यवाद।